मेरे लिए वोटिंग करना बहुत बहुत अहम है। एक्चुअली मैं आज आउट ऑफ मुंबई होने वाली थी, पर खास मैंने अपना कार्यक्रम चेंज किया इसलिए ताकि मैं आज यहाँ रहूँ, वोट कर पाऊँ। और ये एक हम सब की एक प्रिविलेज है, एक सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, एक प्रिविलेज भी है कि हम अपने लीडर्स को सिलेक्ट कर पाएँ और ऐसे लोगों को सोच के सिलेक्ट करें जो हमारे शहर के लिए अच्छे हैं और बाद में हमारे देश के लिए भी अच्छे हों अगली वोटिंग में। तो आई थिंक हर सिटीज़न की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मत सोचे कि आज एक छुट्टी है और आराम करें, वोट करें। आई थिंक मैं थोड़ा लेट आई हूँ क्योंकि आई हैड सम वर्क टुडे, बट आई हैड टू बी हियर। थैंक यू। एक सवाल है, जैसे हम देखते हैं कि इलेक्शन के पहले जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं सभी आते हैं घर पर, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद जनता उनके पास हो रही है हर काम के लिए जाती है। तो आपको लगता है ऐसा कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसके जरिए अगर जब भी काम पड़े या बीच में राइट टू रिकॉल ऐसा कुछ होना चाहिए? सी, ये वो ज़माना शायद धीरे धीरे चेंज हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि अब लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ सब तक पहुंचती है। तो वो ज़माना गया कि 5 साल बाद आएंगे फिर बात करेंगे, हर दूसरे दिन लोग ट्विटर पे हैं, दूसरे सोशल मीडियाज़ पे हैं, तो अपनी आवाज़, अपना आक्रोश भी अगर है तो वो जहन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है। तो आई थिंक एक सेंसिटिव लीडर जो अगली बार भी इलेक्ट होना चाहता है लोगों का पूरे टर्म पे ध्यान रखेगा, नहीं तो जनता याद रखती है। थैंक यू।